विश्राम गृह नूरपुर में आशा वर्कर्स कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि आशा वर्कर्स 3 सालों से कार्य कर रही हैं, लेकिन उन्हें वेतन नाम की कोई चीज नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब इन आशा वर्कर्स की नियुक्ति की गई थी तो उन्हें 850 रूपए वेतन देने की बात कही गई, लेकिन 3 सालों में इन्हें कोई वेतन नहीं मिला है। इसके बाद सरकार ने 1050 रूपए वेतन और उसके बाद 1850 रूपए वेतन की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इन आशा वर्कर्स को मुख्यमंत्री ने 250 रूपए देने की घोषणा की है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने कभी अपनी घोषणाओं को अमलीजामा नहीं पहनाया है। उन्होंने कहा कि इन आशा वर्कर्स को कभी वेतन नहीं मिला और इन्हें मात्र कमीशन ही दिया जाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और सरकार ने अगर आशा वर्कर्स के बारे में कुछ नहीं सोचा तो इसका जवाब चुनावों में दिया जाएगा। और जो मुख्य मुद्दा है वो है वेतन का। अब 3 वर्ष से लगातार ये कार्य कर रहे हैं और 3 वर्षों से प्रदेश की सरकार ने वेतन नाम की इनको कोई चीज नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, जब इनको रखा गया था तो प्रदेश की सरकार द्वारा जो एक सर्कुलेटर भी निकाला गया था, अखबार में भी दिया गया था कि इनको 850 रूपए सरकार अपने खजाने से इनको वेतन देगी, परंतु बड़े अफसोस की बात है अब 3 साल बीत जाने के बाद भी इनको वेतन नाम की कोई चीज नहीं मिली है। 850 के बाद इन्होंने कहा इनको 1050 रूपया दिया जाएगा और उसके बाद इस बार 31 जब मार्च का जो बजट था और बजट के भाषण में माने मुख्यमंत्री जी ने इतना झूठ बोला, प्रदेश की जनता ने सुना। माने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार आशा कार्यकर्ताओं को 1850 रूपया वेतन देने की घोषणा करती है। अभी 8 महीने बीत चुके हैं, 8 महीनों में से कोई कुछ नहीं मिला। अभी पीछे कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट की बैठक में ये कहा गया कि इनको इनका अब 1000 रूपया और बढ़ाया जाता है, जिसका मतलब 1850 का 1250 हो गया। अब बोलने को तो 1250 कर दिया 3 वर्षों में, पर दे नौ फूटी कौड़ी नहीं इनको। जब जो दिया जाता है केवल मात्र कमीशन दिया जाता है, जो कमीशन पे ही रखा गया है, मानदेय हो सकता है, मानदेय देते नहीं। अच्छा, कमीशन देते हैं ना, मतलब कोई मानदेय ना वेतन। ये सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है, तो ये तो सीधा ये है कि महिलाओं का प्रदेश के अंदर जो वर्तमान की सरकार बहुत बड़ा इनके शोषण कर रही है, शोषण बंद करे, नहीं तो ऐसी चीजों को भूतने के लिए तैयार है ये तो।